भाई है। अच्छा एक बात और आपसे बोल रहे हैं, भाई जो होता है आपका देवर ही लगा ना? जी जी। देवर भाभी के पास नजदीक में बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता है? आपसे पूछ रहे हैं, कोई गैर आदमी नहीं है, आपका अपना भाई है। अगर वो भाभी के साथ बैठ के फोटो खिंचाया, देखिए कुछ इसमें खराब है? कोई खराब है? एक देवर मात्र बगल में बच्चा भी है, देखिए बच्चा भी है, बच्चा भी है, तीनों है। हाथ कहाँ है? अगर कहाँ है एकदम हाथ नहीं हमको। अरे आप जितना सोच रहे हैं ना, ऐसे तो आप परिवार में किसी को सही नहीं मानिएगा। आप तो भाई बहन के रिश्ते को भी बदनाम कर दीजिएगा इसे। ऐसे बहन बहन ऐसे अब तो भाई बहन गलत लग रहा है। नहीं नहीं, घर में अगर भाई बहन भी मजाक कर रहे हैं उस तरह से, तब उसको भी आप बदनाम कीजिएगा ना। नहीं तो क्या लिख रहा है वो लड़का, अर्जुन सिंह के नाम से चला, क्या लिखा है? दोनों का फोटो दिखाई, क्या लिख रहा है? ये कौन है? आप है ना? तो हम दोनों आदमी है, फोटो क्या लिख रहा है? क्या लिख रहा है बोलिए ना, क्या लिख रहा है? पढ़ के सुन, पढ़िए ना। हाँ ऐसा बहुत ऐसा चीज लिखा, बहुत चीज लिखा। खुद की क्या है? सकल क्या है? बंदर जैसा हो, वो क्या लिखे हैं यहाँ पे? हम तो खुद नहीं चश्मा पहने गए, बताइए आप ही पढ़ के बोलिए ना। वो तो एक वो आपके ऊपर कमेंट कर दिया, एक टोन दिया, आप दोनों पति पत्नी है, उससे क्या प्रमाणित होगा? अपनी पत्नी को ऐसा थोड़ी ना क्या बोलना, देखने पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है कि भाई भाई मेरे भाई, मेरी पहले बात सुन लो, पहले मेरी तुम सुन लो। मेरा ये कहना है कि तुम जीवन में दूसरा शादी कर लिए हो, तीसरा शादी कर लिए हो, खुद के पहले मेरी बात सुनो, खुद के बराबरी में लाने के लिए बिना सबूत के अपनी पत्नी पर कोई आरोप न लगाओ। और मैं एक ही चीज यहाँ पर करने आई हूँ, इसे भी पता है कि आप शादी कर चुके हो, ऑलरेडी एक महिला आपके घर में आ चुकी है, इनको ना आपके पिताजी पसंद करते हैं ना सासू माँ पसंद करते हैं, इसको भी पता है कि ये घर में ये कंपलसरी अब फाइनल नहीं रह सकती है पहले जैसा, जो सच्चाई है। अब एक ही चीज करना है कि इनके तीन बच्चे हैं, आपसे ये बस तीन बच्चे के अधिकार लेने की बात करने आई है। अब आप बताइए कि आपका बच्चा है, आप इन तीन बच्चों के लिए क्या करेंगे? सारे बातों को रखिए, आपका भी रास्ता है, कोई बात नहीं है। देखिए समस्या का समाधान निकालना है, छीछा रोपण करिएगा तो ये मुद्दा बहुत लंबी हो जाएगी। हमारे हाथ में तीनों बच्चे दे, हम हॉस्टल में था दे या अपना। अच्छा तो ये कैसे जिएगी? एक तो इसके पास पति नहीं, ऊपर से इसके बच्चे भी नहीं, तो जिएगी किसके सहारे? अब आपसे पूछते हैं किसके सहारे जिएगी, बोल दीजिए। आपको सहारा चाहिए तो आप दूसरा शादी कर लिए, उसको दूसरा शादी नहीं करना है, उसके लिए तीन बच्चे ही उसके जीवन के आधार हैं। वो हमेशा आप ही की पत्नी बन के रहेगी, हमारी पूरी जिंदगी कभी नहीं रहेगी, रहेगी नहीं, रहती तो आ जाती है, इतना कोई बात नहीं है, पूरी जिंदगी जब तक आपको नहीं दी है, जब तक वो आपको तलाक नहीं दी है तब तक वो आपकी पत्नी, लीगल पत्नी है, ये अनलीगल है, ठीक है? हम लोग सामने से बैठ के बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वो अनलीगल है। आप अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए उसको ला रहे हैं। क्या चाहते हैं आप अपने पति से? हाँ रहना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, हमको बच्चा का हक हिस्सा दें। हाँ मतलब पति के साथ यहाँ आप रहना चाहते हैं बच्चों के साथ? अगर नहीं रहता पति का तो मेरा हक हिस्सा दे, मेरे बच्चा के लिए शादी उदी के लिए रखे, सब चीज रखे, उसके बाद वो अपना खुश भी रहे, हम भी हम अपना खुश रहे। ठीक है, साढ़े सात बीस मिनट आपके पास, नहीं तो सभी के छोड़े। सुनो इनके पास क्या क्या है, तुम तो इस घर की बहू, पता होगा कि इनके हिस्से में क्या है, क्योंकि ये भी तीन चार बच्चे के पिता है, तो सभी बच्चों का अधिकार होगा इनके सब पति पर ना। तुम्हारे पति के हिस्से में क्या चीज है? जी कागज लाए, दो विकलांग है भाई, दो विकलांग भाई है, शादी नहीं किया है, शादी हो ही नहीं सकता, आप लोग मतलब रखे हुए हैं, ठीक है ना? ये यहाँ रहने के लिए तैयार है, ये यहाँ रहने के लिए तैयार है, बच्चों के साथ रहेगी यहाँ, क्या दिक्कत है? ये रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं। वो तो रहने के लिए तैयार है, हटाना होगा। पहले मेरी बात सुनो, तुम भी औरत हो, भी औरत है, कोई औरत मजाक नहीं है। अगर यही अधिकार तुम पहले लेने आ जाती ना, तो वो इनके जीवन में नहीं आती। हम फालतू का बात नहीं करते हैं, मान लेते हैं कि वो भी महिला है, अब उसकी जिंदगी खराब हो चुकी है, अगर ये निकालते हैं अपने जीवन से तो वो कहाँ जाएगी? जो आपका हाल है वही कोर्ट का ना, हमको हक हिस्सा दिलवाए, बात खत्म। हाँ तो रहिएगा तो हक हिस्सा मिलेगा, तभी ना रहिएगा। हाँ ये तो रखने के लिए तैयार है, रहने वाला बात नहीं करना है, तुम लबर लबर नहीं बोलोगे, उनसे आप कुछ नहीं बोल सकते हैं।
नहीं आपको कुछ बोलना है नहीं ये आपको कुछ बोलेगी। हाँ तो लेगी नहीं, आप जानते हुए शादी काहे किए? बेवकूफ वाला काम मत कीजिए, शांत रहिए आप अपना उधर। ले लीजिए उसका भैया, हाँ ले लीजिए उसका भैया। नहीं छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। नहीं ले लीजिए ना, उसको शौक है ले लीजिए। ज्यादा बन रही है ना, समझ नहीं है तब तो शादी कर ली, नहीं तो पहला तो इतना उलझन में काहे फंसते हैं। बोलती है कि रहेंगे ना, जो वो बच्चे उसे पूछने भी गए, उनको कुछ बोलने गए ना, उनका कोई गलती है वो जो की बच्चा। देखिए पहली बात, तीनों बच्चा जो है ना, हेलो समाज के हैं, क्या हुआ? अच्छा आप रोके हाँ? कि पापा नहीं रहने देंगे घर में, काहे काला ना रहे थे तू बोला था ये पहले के जमाने में था। मेरा पति बोले हुआ था बोला कर चली जे गांव के पड़ोसी है, पड़ोसी है, पड़ोसी है। चलिए छोड़िए, मेरे को सर आप लोगों को कोई चेहरा पुकार सही वो ऐसा नहीं है, झूठ मारना ही ना चाहिए, लेकिन उसको दारू पिला करके समझे मेरा तो भेजा गया। सुनील सर देखिए, देखिए कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं आपके जो बच्चे हैं आप चेहरा देखिए, सामने से देखिए, ठीक। आपको आपको पत्नी से दिक्कत हो सकता है, हम मान सकते हैं, समझ सकते हैं चीजें, लेकिन बच्चे से तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। सुनो, लड़ाई नहीं करने आई हो, देखो हल्ला मत करो। आप भी जो गलती किए है ना, उनका गलती तो हमको सबूत नहीं दिख रहा है, लेकिन आप जो गलती किए वो माफी के लायक नहीं है। हमको इधर मम्मा को करो, देखो ये इनका कहना है कि तुम यहीं पे रहो, ये तुमको यहीं पर ब्यूटी पार्लर खोल देंगे, तुम्हारा सब कुछ कर देंगे, बच्चों को ये पढ़ाने की पूरी जवाबदेही इनकी होगी, बच्चे को स्कूल में एडमिशन भी करा देंगे। सोच सकते हैं ना, जो इंसान को जब पत्नी नहीं था तो इंसान 2 रुपया बच्चों को नहीं दे सका, पूछ लीजिए बच्चों से, जो इंसान पत्नी को कुछ नहीं दे सका। हम मौखिक ना लेंगे, हम इनसे लिखी लेंगे, और ये हमसे बात कर रहे हैं तो इनको अब हम ही को ये देना पड़ेगा। तुमको कोई कष्ट होगा इस बीच में, तुम हमसे बात करना। नहीं तो हमको फाइनल चाहिए, हम रहने उन्हें की बात नहीं करेंगे, हमको फाइनल चाहिए। ये भी समझ रहे हैं ना, हम लफड़ा वाला बात नहीं करने आए, हमको फाइनल चाहिए। हाँ ना, थोड़ा देर पहले आप बोली कि हमको यहाँ पे रहने का व्यवस्था दिया जाए, तो उस पर ही मान। हाँ मेरा हक हिस्सा सब चीज दीजिए, हम भी घर, हम भी साथ ससुर है ना। हिस्सा ऐसे ही ना मिलेगा बाबू, आपको रहने के लिए घर मिलेगा, दुकान खोलने के लिए आपको दुकान मिलेगा, और क्या ही देंगे, जो इनके पास है वही ना देंगे। केस आया कैसा? नहीं केस नहीं आया, उसको छोड़ देते हैं। बुलाइए ना पुकार, जाओ अनिल गया था मेरे यहाँ, बुलाइए सबको, क्या गलती था मेरा। अरे तो गलती दिखाने बुलाइए, एक सेकंड, गलती दिखाने वो कोई नहीं तुमको मदद करेगा, जो देंगे तुमको यही देंगे, तुम चाहे पूरे समाज को यहाँ पे भीड़ लगा दो, दीजिएगा कोई इसको कुछ भी, जो देगा इसका पति देगा। तो पूरा अभी तो आप बोले कि रहना है, यहाँ का भीड़ क्यों लगाए, हमें क्या जरूरत पड़ल है, हमको 3 बच्चे के भविष्य देखना है, हमको उससे ज्यादा कुछ नहीं देखा। आपका अधिकार है वो बात करिए ना, फालतू में दूसरा तीसरा के बात कहे ला रहे हैं, बताइए। अभी आप बोले कि रहेंगे, अधिकार चाहिए, ये रखने के लिए भी तैयार हैं, अधिकार देने के लिए भी तैयार हैं, फिर क्या होगा? बाबू एक सेकंड, हमको अस्मार पे मत रखो, क्लियर यहाँ पे कर दो, तुमको किस तरह का क्या चाहिए? हमको सब चीज, हम यही रहेंगे, लेकिन हमको बच्चा के लिए रखवा दीजिए, हमको माने सब चीज अच्छा से करवा दीजिए। हम यहाँ क्या करने के लिए? वही तो ये बोले, हम बच्चा को एडमिशन करा देंगे, इसको दुकान खुलवा देंगे, ब्यूटी पार्लर। नहीं हम जहाँ है तो ही रहेंगे, ये थोड़ी हम तुर्की आएंगे जाएंगे, ये क्या तरीका हुआ? तो जब इतना हो गया तो हम यहाँ क्या करें? बाबू सुनो मेरी बात, गलती एक तरफ से नहीं होती है, अगर तुम नहीं चाहती तो हिम्मत नहीं था दूसरा शादी कर लेते, लड़के भी अपनी गृह कभी नहीं छोड़ना चाहिए, लक्ष्मी बोझ अपने घर उठा के ले गया था ना, हम झूठ बोलते होंगे तो भगवान हमको कभी माफ नहीं करेगा, उठा के ले गया, वहाँ लेके गया, सीतामढ़ी, हम लेके 2019 में,